हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दाल मखनी का एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ये जो दाल है, दाल को और राजमे को ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो फिर इसके पानी को अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब मैं प्रेशर कुकर में दाल को पानी और थोड़ा नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। जब दाल बॉईल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे बाकी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट, 3 टमाटर और 1 अनियन लिया है। उस 3 टमाटो का हम पेस्ट बनाएंगे और अनियन को हम चॉप करेंगे और इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। दाल अभी अच्छे से बॉईल हो चुका है, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से दाल बॉईल हो गया है। अभी इस दाल में से हम क्या करेंगे, 1 कटोरी अलग से निकाल के रखेंगे। तो अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब चॉप अनियंस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियंस जब अच्छे से फ्राई हो जाए इस टाइम पे हमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर देंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही देंगे कलर के लिए। थोड़ी देर इसको फ्राई के बाद हम यहाँ पे हमने 3 टोमेटो और गार्लिक और जिंजर को पेस्ट कर लिया है अच्छे से, इसको हम ले देंगे। टोमेटोज देने के बाद इस वक्त हम इसमें नमक धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके, दाल मखनी में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके ऐड करना है। मैंने यहाँ 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके भुनने के लिए रखना है। इसको हम लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे हम यहाँ पे जो 1 कटोरी मैंने दाल मखनी अलग से निकाल के रखा था इसको हम अब मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लें। दाल को हमने ब्लेंड कर लिया है, मसाले अभी अच्छे से भून गए हैं। इस टाइम पे हम हल्दी, रेड चिली पाउडर, तीखा अपने अंदाजा से लेना और गरम मसाला देखिए इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ये अच्छे से भून गया है। इस टाइम पे हम
बॉईल किया हुआ दाल को डाल देंगे। दाल को अभी हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ढक्कन खोल के देखें कि अच्छे से भुन गया है। इस टाइम पे हम ये जो ब्लेंड किया हुआ दाल मखनी है इसको हम इसमें दे देंगे। इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करना है। ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। इस वक्त हम इसमें थोड़ा ज़्यादा करके ही पानी डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा पानी डाला है। इसको आपको अभी मीडियम टू लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में आप दाल को चेक करते रहें और थोड़ा हिलाते रहें ताकि दाल नीचे से चिपक ना जाए। बीस मिनट बाद देखें कि ये दाल अच्छी तरह से बन गया है। इस वक्त हम लास्ट में इतना सब बटर डाल देंगे। इसी तरह बहुत ही सिंपल वे में दाल मखनी रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।